बिहार में पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के अहेरापुर थाना क्षेत्र के कोलुआ ब्रह्मस्थान गांव का है, जहां गांव के सड़क किनारे एक मासूम बच्ची का शव एक बोरे में पड़ा हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मासूम के ननिहाल वाले 25 नवंबर को एक शादी में छपरा गए थे। जब शुक्रवार को वापस घर लौटे तो बच्ची घर पर नहीं थी, जिसके बाद परिजनों ने तलाश की। इसी दौरान गांव के सड़क किनारे बच्ची का शव बोरे में मिला। बच्ची के शरीर पर चोट के निशान और कपड़ों की हालत देखकर दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। हम गायब है, हम गए थे काम करने के लिए, हम 6 बजे काम करके आए पोती लेकर के, तो पता चला हम गए कि पैठन टोली रूम पर गई है, तो वहाँ हम गए रात के, अब रात के गए, उसके बाद खोजने खोजते सवेर हुआ, उसके बाद हमने गाड़ी लेकर के ऐलान करा है, ये बड़ा पता चला है कि ऐसे ऐसे बात हो गया है, तो हम लोग भाग करके आए थाना पर से यहाँ आए हैं। हमारा यही नतनी है, हाँ यही है। अच्छा, ये क्या लगा जिस तरह से लाश रखा हुआ था, पैर हाथ बांध के कोई दुष्कर्म किया है सब, मार दिया। हाँ यही किया है सब, बच्चा को देखते है कितना सुंदर लड़की है, वो 9 साल का लड़की है। कहाँ की रहने वाली है लोग? हम लोग रिबिलगंज गौतम स्थान के रहने वाले हैं। जिला छपरा जिला सारण। कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं हरसिंह बोर्ड में रहते हैं। हरसिंह बोर्ड कौन जगह? हरसिंह बोर्ड पानी टंकी के पास। पानी टंकी चौक पर? हाँ हाँ, बगल में सरकारी जमीन में झोंपड़ी बनाकर है। क्या करते हैं? पत्ती उत्ती काटते हैं, बेचते हैं, और जो भी काम लगता है घर द्वार बनाते हैं, बेचते हैं, करते हैं, बस यही हमारा काम है। देखिए, सुबह में हमको यहाँ मोहल्ला से फोन किए कि एक बोरा जो है, सीमेंट का बोरा रखा हुआ, उस पर मक्खी लग रहा है और मोहल्ला में है बोरा रखा हुआ। हम अपने मित्र के साथ 3 आदमी के साथ आए, बोरा को देखे, थाना को फ़ोन किए और SIT में संजीव सर DSP उनको फ़ोन किए कि सर ऐसे ऐसी बात है। वो बोले जरा देखिए उसमें क्या है। हम बोरा का मुँह खोले तो देखे उसमें डेड बॉडी था। डेड बॉडी होने के बाद हम अय्यापुर थाना को फ़ोन किए, SIT को फ़ोन किए, उसके बाद DSP साहब को फ़ोन किए, तो फिर थाना आई और थाना आके लेके गई। क्या लगा है? देखने से अनुमान है कि तकरीबन 10 साल की बच्ची है ये, अभी तक यही अनुमान लग रहा है कि 10 साल की बच्ची का ये बड़ी है। बाद में पुलिस में जांच कर रही है। स्थानीय अभी जो निकल के आया, कुछ लोगों का कहना है कि सक्सेस लैब के पास से एक बच्ची कल से गायब है, और यहाँ सक्सेस लैब के पास से एक बच्ची गायब है ये, और दूसरा कि गरम चौक से भी एक लड़की कल से गायब है। देखते हैं उसके बाद क्या होता है, कौन है, जैसा पता होगा सूचना सर बोले कि देते हैं कि कौन है या उसका कुछ पता चलता है तो बताते हैं। मेरा नाम विवेक राज है। वहीं हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने देर रात हाईवे जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस के साथ मृतका के ग्रामीणों की नोकझोंक भी हुई। बैरिया गांधीनगर के पास एक बोरा में 8 साल की बच्ची का अज्ञात शव मिला था। उसको ला करके यहाँ पोस्टमार्टम हाउस जमा करके विधिवत पोस्टमार्टम कराया गया है। उसके परिजन लोग भी आ गए हैं। एक बड़ी का शिनाख्त हो गया है और पोस्टमार्टम आ रहा है, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक आशंका, डॉक्टर बॉडी में कहीं इंजुरी वगैरह नहीं है, डॉक्टर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देते हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बोरा में होने से तो क्या लगता है? रस्सी से बांधा हुआ था शरीर को, उसमें बाधा हुआ था, फिर उसको हम लोग जाँच करवा रहे हैं क्या मामला है। इंक्वेस्ट में क्या कुछ दिखा है वहाँ? नहीं, सब नॉर्मल है, टोटल नॉर्मल है। रस्सी वस्सी वगैरह सब नॉर्मल, तो रस्सी बांधा हुआ था बोरा में, गला वगैरह। परिजनों का कहना है कि दुष्कर्म भी हो सकता है? ना ना ना, एकदम नहीं, कोई बात नहीं, हत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्या मामला है। मैंने बोरा में, चूंकि रस्सी बांध के बोरा में डालना, ये तो प्राइम ऑफ ऐसी आपका पुलिस एक्सपीरियंस तो कुछ बताता है? उसको हम लोग पता करवा लेते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कहाँ इंटरनल इंजुरी क्या है और इसमें क्या मामला हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। पंजाब केसरी TV के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार की रिपोर्ट।